Hi students, these are the notes of chapter 12, Electricity and Circuits. Now we all know electricity is produced with the help of electric cells. Okay, for example, जो भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हो उन सब में इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ होते हैं, लाइक रिस्ट वॉच, क्लॉक या टीवी रिमोट देख लो, इन सब में ही आप देखोगे सेल्स यूज़ होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है उन सेल्स की हेल्प में से? होता क्या है, सेल्स के अंदर ना कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करके इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ईच सेल हैज़ मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। ये मैंने डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो ये मेटल कैप है और यहाँ नीचे जो है डिस्क सी बनी होती है, मेटल डिस्क, ठीक है। जो मेटल कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और जो ये मेटल डिस्क है ये नेगेटिव टर्मिनल है। यू कैन सी इन दिस, ये मेटल कैप है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, सेल का, और ये जो है ये मेटल डिस्क है। प्लेन सरफेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस आप देख रहे हो, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। जो एक टॉर्च बल्ब होता है उसका एक आउटर केस होता है जो ग्लास से बना होता है, जो कि फिक्स होता है एक मेटालिक बेस पर। ओके, यू कैन सी इन दिस, ये जो है ये आउटर केस है जो ग्लास से बना हुआ है, और जो ये नीचे बेस है बल्ब का ये मेटालिक बेस है, ठीक है। और इसके बिल्कुल मिडल में ना एक थिन वायर है, ये यहाँ पे दो थिन वायर्स यहाँ बिल्कुल दी हुई हैं, ये है फिलामेंट जो लाइट, जिससे लाइट जलती है। ओके, यू कैन सी ये जो बिल्कुल, ये बिल्कुल थिन वायर्स दिख रही हैं, बिल्कुल ये वाली पतली वाली, ये तो मोटी वाली हैं, ये थिक वायर्स हैं जो फिलामेंट से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो ये थिन वायर्स हैं ये वाली, ये हैं फिलामेंट। ओके, एक बार हम रीड भी कर लेते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ बल्ब ऑफ ग्लास डैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। फर्स्ट पॉइंट ही हम देख चुके हैं, नेक्स्ट भी क्या है, द थिन वायर इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। नेक्स्ट इज दिस फिलामेंट इज कनेक्टेड टू टू थिकर वायर्स। ये भी अभी हम देख चुके हैं डायग्राम में, जो मैंने आपको बल्ब दिखाया उसमें आउटर केस भी शो किया मैंने, मेटालिक बेस भी, फिलामेंट भी, और जो टू थिकर वायर्स थी वो भी। नेक्स्ट इज दीज टू थिकर वायर्स आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो दो थिक वायर्स दिखाई थी वो फर्दर कनेक्टेड हैं टू टर्मिनल्स से, ठीक है, बल्ब के। कौन से दो टर्मिनल से? बेस ऑफ द बल्ब, जो मतलब बल्ब का बेस है बिल्कुल नीचे, बॉटम। और नेक्स्ट टर्मिनल दूसरा कौन सा है जिससे कनेक्टेड है थिक वायर्स? वो है मेटल टिप ऑफ द बेस, जो बेस की मेटल टिप थी ना उससे कनेक्टेड है। मतलब जो दो थिक वायर्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये और दूसरी वाली, साथ वाली, ये दोनों जो हैं, एक तो ये है मेटल बेस, इससे कनेक्टेड है, और दूसरा इस बेस की जो मेटल टिप है अंदर उससे कनेक्टेड है ये दो थिक वायर्स। यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक। ये इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है जिसमें ये मेटल कैप है, नीचे ये मेटल डिस्क है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल, जो डिस्क वाला पार्ट है। ओके, दिस इज़ द सेकेंड डायग्राम जिसमें ये आउटर केस है, नीचे मेटल बेस है, जो मेटल में है ये फिलामेंट है, ठीक है, और जो नीचे ये मेटल बेस की टिप हो गई, और जो बेस है बल्ब का, ये दोनों टर्मिनल्स हैं। ओके,
दिस टिप एंड द बेस ऑफ द बल्ब, ये क्या है? टर्मिनल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक सेल है और एक बल्ब है, ठीक है, जो सेल के और बल्ब के दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड होने चाहिए तभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब इस कनेक्शन को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, सेल्स के दो टर्मिनल्स का कनेक्शन विद द टर्मिनल्स ऑफ बल्ब, ठीक है, विद द टू टर्मिनल्स ऑफ बल्ब। एंड द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। मतलब बल्ब जो है वो तभी ग्लो करेगा जब करंट जो है वो फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू, एंड करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है, बीच में से डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और जो डायरेक्शन होती है करंट की इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट होती है, वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है टू द नेगेटिव टर्मिनल। आप इसमें देख सकते हो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? दो टर्मिनल्स सेल्स के जुड़े होते हैं बल्ब के दो टर्मिनल से, इसी कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और जो डायरेक्शन है करंट की वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक है, आप एरोज देख सकते हो, ठीक है। और ये बल्ब जो है तभी ग्लो करेगा जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, मतलब करंट तभी फ्लो करेगा इस सर्किट में से। यू कैन सी इन दिस, ये एक कम्प्लीट पाथ है, ठीक है, और दोनों टर्मिनल सेल के बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, बीच में यहाँ पे वायर जुड़ी भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी ऐसे डिसकनेक्शन है, यहाँ पे भी दोनों टर्मिनल्स एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल के। सिमिलरली इन दिस, दोनों टर्मिनल्स बल्ब के एक ही टर्मिनल से सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये भी यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। एंड इन द लास्ट केस दो टर्मिनल्स जो हैं कनेक्टेड हैं दो टर्मिनल से बल्ब के, तो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर रहा है, इन दो केस में कर रहा है, बाकियों में नहीं कर रहा, बिकॉज पार्ट जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका पार्ट पाथ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो फ्यूज़ भी हो सकता है, मतलब कि अगर हम उसे सेल के साथ कनेक्ट कर भी लें तब भी वो कई बार ग्लो नहीं करता, ठीक है, मतलब नहीं जलता। इसका रीज़न हो सकता है ब्रेक इन फिलामेंट, उसकी जो फिलामेंट है हो सकता है वो टूट गई हो, अगर फिलामेंट टूट जाएगी तो क्या होगा, जो सर्किट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा सर्किट में, तो ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब सर्किट ही इनकम्प्लीट होगा तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा, इट मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है, करंट के पाथ में भी ब्रेक आ जाएगा, दस नो करंट फ्लोज इन इट्स फिलामेंट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, ओके। नेक्स्ट इज अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स द सर्किट। मतलब स्विच जो है एक ऐसा डिवाइस होता है वो या तो सर्किट को कंप्लीट करता है या उस सर्किट को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी पिन, प्रैक्टिकल्स में कई बार सेफ्टी पिन यूज़ की जाती है एज अ स्विच। यू कैन सी द डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक, एक थर्माकोल शीट पर वायर्स कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ थंब पिन्स, ठीक है, ये पिन्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन भी अटैच्ड है, ठीक है, अगर ये सेफ्टी पिन बंद कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा वायर से, ठीक है। लेकिन अगर ये सेफ्टी पिन ऐसे ओपन है तो मतलब स्विच ऑफ है, अभी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि सर्किट जो है इनकम्प्लीट है। द मोमेंट वी विल जॉइन द सेफ्टी पिन विद द वायर देन ओनली करंट विल स्टार्ट मूविंग।
आप देख सकते हो इसमें स्विच ऑफ है अभी, ठीक है, मतलब सेफ्टी पिन कनेक्टेड नहीं है इस वायर से, लेकिन इसमें इस डायग्राम में सेफ्टी पिन कनेक्टेड है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया जाए तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और स्विच ऑन होगा, ये तो ऑन कहलाएगा ये स्विच, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी कंप्लीटेड, दस करंट विल फ्लो, मतलब ये स्विच जो है सर्किट को जोड़ भी सकता है, मतलब कंप्लीट भी कर सकता है या फिर ब्रेक भी कर सकता है इस तरह। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज मटीरियल्स दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, जो मटीरियल्स अलाउ कर दें करंट को पास करने के लिए, ठीक है, अपने थ्रू, तो वो होते हैं कंडक्टर्स, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम उन मटीरियल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल मेटल्स विच आर कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, जब करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स, ओके। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड, थर्माकोल एट्सेट्रा, इसके एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। एप्लीकेशंस में आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स या सॉकेट्स जो होते हैं, ये सब कंडक्टर्स से बने होते हैं, मतलब जो मटेरियल यूज़ होता है इनमें वो कंडक्टर्स वाला ही होता है, ताकि करंट ईजिली फ्लो कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वायर्स जो होती हैं वो आप देखते हो मेटल, कॉपर या एल्यूमिनियम की होती हैं, है ना, ताकि जो वो मटेरियल है वो ईजिली अलाउ कर दे करंट को टू पास थ्रू देम। और जो रबर और प्लास्टिक होते हैं ये यूज़ होते हैं उन इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, ताकि हम उससे प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, इसलिए हमें भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं विद द इंसुलेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर एंड प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, स्विचेस हो गए और दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, ठीक है, जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। लास्ट थिंग विच इज़ लेफ्ट इज इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च। अंदर टॉर्च के ऐसे दो सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है, बाहर ऐसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है, अंदर यहाँ पे ये बल्ब होता है और साइड में स्विच होता है, ठीक है, और जो बल्ब के साइड में ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है रिफ्लेक्टर, ठीक है, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर जाए। दिस इज़ ऑल फॉर चैप्टर।